अरे मैं तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ बेटा। बाबा जी मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। विभू के मामा जी ने जब विभू पढ़ाई कर रहा था तो उसे 5 लाख रुपए दिए थे इस वादे के साथ कि विभू डॉक्टर बन जाएगा। हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं? आपका घर चाहिए नर्सिंग होम बनाने के लिए, तो बना लीजिए ना बाबा जी। तो पहले मैं एक काम करती हूँ कि टीके मलखान को बोलती हूँ नर्सिंग होम का सारा सामान ले आओ, फिर उनको मरीज बना दूंगी। मामा जी कब जा रहे हैं आप? 2-4 दिन तो जरूर रुकूंगा मैं। इसको जल्दी से ठीक कर दे बेटा, बहुत ही मासूम है। छोड़ दे अब तो हर दिन मरना, मरने से पहले जीना। डॉक्टर साहब, मैं आपको मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूँ। एक्चुअली मेरी फीस 1 करोड़ रुपए है। मैं आपको 1 करोड़ रुपए का चेक दे देता हूँ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, कहाँ थे तुम? वो साहब का भाव कि हमारी जो प्रेग्नेंट बीबी है ना, बाकी पेट में अचानक से तेजी से दर्द होने लगो, तो साहब बा को हम डॉक्टर के पास ले गए थे। फिलहाल तुम अपनी बीबी से ये ध्यान हटाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाउ साहब हाउ। इस शहर में किडनी का रैकेट, किडनी का धंधा बहुत ही फल फूल रहा है। कौन की किडनी साहब? बकरे की किडनी का। अबे बेवकूफ, इंसानों की किडनी की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ क्रिमिनल्स धोखे से मासूमों की किडनी निकालते हैं और उसे लाखों में बेच देते हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? एक बात तुम अपने कान में तेल डालकर सुन लो। कहाँ साहब? कान में। तुम्हें इस किडनी चोर गैंग को 24 घंटे के अंदर पकड़ना है, और अगर तुम 24 घंटे के अंदर मुझे ये रिजल्ट नहीं देते हो तो तुम्हारे बदन पे जितने भी सितारे हैं मैं उन्हें नोच खाऊंगा। जैन साहब, जय हिंद। वाह भांजे वाह, आज मैं तेरी तरक्की देख के उतना ही खुश हूं जितना तब हुआ था जब सरकार ने 1,000 और 500 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। मामा जी थैंक यू सो मच, सब आप ही की कृपा है, आप ही का आशीर्वाद। अरे ना बेटा ना, मेरी कृपा नहीं है, तेरे मेहनत का फल है बेटा। अगर तूने मेहनत नहीं की होती तो आज तू सिर्फ झोला छाप डॉक्टर बन के रह जाता, मगर तू तो नंबर 1 का डॉक्टर हो गया है रे। तेरे हाथ में ना बेटा छिपा है, है? तभी तो तूने उस मासूम लौंडे को कोमा से बाहर ला दिया। बस रामा जी ऊपर वाले ने हाथ में शिफा दे दी है। हाँ। कि जब मैं जिस मर्ज पे हाथ रखता हूँ वो मर्ज ना मर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? ना मर्ज। ना मर्ज। अच्छा अच्छा, तो बेटा मेरे मर्ज पे भी हाथ रख दो बेटा। मामा जी पजामा क्या खोल रखते हैं? प्लीज पजामा मत खोलिए, मेरा मर्ज तो देख ले बेटा। ऐसा क्या दिखाने की कोशिश कर रहे? जब से आप आए देख ले क्या, ऐसा क्या दिखा देंगे आप मुझे? मैं समझ गया, देख लो। मैं समझ गया मामा जी, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। बहुत तकलीफ में हूँ बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं। जहाँ रात को अचार खाता हूँ सुबह में बाथरूम में हाहाकार मच जाता है बेटा। क्यों खाते हैं अचार आप? क्यों खाते हैं फिर यार? बेटा अचार मेरी कमजोरी है, अचार बिना जिया जाए ना। बस तू वैसे ही चमत्कार कर दे जैसा तूने उस लौंडे मासूम लौंडे को कोमा से बाहर करने का किया है। लेकिन वो लौंडा भी बड़ा दिलदार निकला बेटा, है? पूरे 1 करोड़ का चेक दे दिया तुझे। मरीज तो ऐसे ही करोड़ लाख का चेक देते हैं, इससे कम लेता भी नहीं। मतलब अच्छा चल रहा है तेरा, है ना? लेकिन बेटा मैं बड़ी मुश्किल में चल रहा हूँ, मेरा 5 लाख वापस कर दे। क्या जरूरत थी इतनी ओवर एक्टिंग करने की, इतनी ओवर एक्टिंग करने की? ऐसी क्या ओवर एक्टिंग कर दी मैंने? क्या जरूरत थी टीके से कहने की कि 1 करोड़ रुपए का चेक काट दो? अब तुम्हारी इस ओवर एक्टिंग की वजह से मांग लिए ना मामा जी ने 5 लाख रुपए, अब भरो। बहुत सही कह रही हैं आप भाभी जी, ये हमेशा ओवर एक्टिंग करते हैं। दीजिए 5 लाख रुपए अपने मामू को, दीजिए। तिवारी जी
आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना, आप मुझे 5 लाख उधार दे दीजिए, मैं आपको कमा कमा के दे दूंगा। माफ कीजिएगा, हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है। क्या बात कर रहे हैं लड्डू के भैया, कल ही तो अग्रवाल साहब 5 लाख रुपए देकर गए हैं आपको। ची 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 ची। वो दूसरी पार्टी को दे दिए ना पगली 5 लाख रुपए। नहीं नहीं, इट्स ओके अंगूरी जी, आपको तकलीफ करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हम देखिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही करूंगी इसकी भरपाई। मैं अपने जेवर बेच दूंगी, जेवर बेच कर 5 लाख रुपए मामा जी को दे दूंगी। नहीं भाभी जी प्लीज, हमारे रहते आप जेवर नहीं बेचेंगी, हम देंगे ना आपको 5 लाख रुपए। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके तिवारी जी, मैं आपसे इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। अरे काय भैया, का पंचायत चल रही है जो, और जो जो का है मामूलाल नर्सिंग होम, डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा, तुम कैप्टन डॉक्टर बन गए, का है जो कहा है ना कि भरभूति जी के मामा जी आए हैं, तो भरभूति जी अपने मामा जी से बोले हैं कि वो डॉक्टर हैं। अच्छा काय भैया विभूति, यार तुम बड़े धोखेबाज हो। चलो अपना काम करो, दिमाग मत खराब करो यार। तुम सुनो, ज्यादा उछलो नाम से, तुम्हें पता हुआ शहर में जो किडनी चोरी को बहुत बड़ा रैकेट चल रहा हुआ है, भाई की जरूरत में धर लेंगे, फिर उछल वो भूल जाओगे तुम। That's a great idea. हब्बू सिंह जी बिल्कुल अरेस्ट कर लीजिए, आप विभू को कल किडनी रैकेट के चक्कर में अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट हिम, टेक हिम। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो यार तुम? रिलैक्स विभू, हब्बू सिंह जी तुम्हें झूठ मूठ में अरेस्ट करेंगे। तुम अपने मामा जी को जाकर ये बोलना कि पुलिस ने तुम्हारे सारे पैसे भी जब्त कर लिए हैं। अब जब तुम्हारे सारे पैसे जब्त हो जाएंगे तो मामा जी तुमसे क्यों पैसे मांगेंगे? वाह भाभी जी वाह, आप तो वाकई बहुत शातिर चीज समझदार है। अनु यू आर ब्रिलियंट। आई नो गोरी में हम सब समझ गए। अबे अबे समझ में आओ हमें, आप जो समझोगे आपको काम होगा वो। थैंक यू अप्पू सिंह जी, और मैं आपको आपकी न्योछावर भी दे दूंगी। क्या सी बातें कर रही हो गोरी में, हम आपसे न्योछावर लेंगे का ना? तो ठीक है, नहीं मिलेगी। अच्छा चलाने लगा है तू रिक्शा, झटके कम दे रहा भाई। बहुत बढ़िया। रुक 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 लंदन में टैक्सी चलाएगा? अरे क्या रिएक्शन देता है यार तू भी, ले पकड़ फौरन लेता है तू। अरे भाई ये, अरे खजेड़ो, अबे गले में दम नहीं है तो चिल्ला क्यों रहा है? अबे ये पागल आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अबे पागल होगा तू, पागल किसको बोल रहा है नीचड़ आदमी? अबे ये मेरे भतीजे खजेड़ो का घर है। अबे ये मेरे भांजे खचेड़ू का घर है। अबे साले तू वही है ना जो अपनी पड़ोसन को लेकर भाग गया था? अबे तू वही है ना जो अपनी साली को लेकर घर से भाग गया? साली आधी घरवाली होती है। तो पड़ोसन भी पूरी घरवाली होती है। अबे चुप रहे, ज्यादा मत बोल। अबे तू चुप रहे, छोड़।
अरे छोड़, कम कर, तू छोड़, तू चुप रह, बोल चुप रह। चाचा जी, चाचा जी आप आ गए? अबे खचेड़ू, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? खचेड़ू मत बोल, इसको डॉक्टर खचेड़ू बोल। डॉक्टर खचेड़ू? अरे खचेड़ू डॉक्टर कब से बन गया? चाचा जी आप ऊपर आइए, मैं समझाता हूँ। अबे चुप रह, मुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना है। अरे बेटे खचेड़ू, तूने इसको बताया नहीं कि तू डॉक्टर हो गया है, वो भी मेरे 5 लाख की बदौलत? अच्छा कचेड़ू, वो भी डॉक्टर, वो भी तेरे जैसे घटिया आदमी की 5 लाख की बदौलत? अरे जा, मैं जानता हूँ कचेड़ू को, कचेड़ू डॉक्टर क्या कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं है। चाचा जी ऊपर चलिए, आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? अरे गड़े मुर्दे तो अब उखड़ चुके हैं, ये बता तू डॉक्टर कब से बन गया? अरे खटियाड़ू डॉक्टर है। अरे डॉक्टर नहीं है। अरे डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं है, मैं कह रहा हूँ खटियाड़ू डॉक्टर है। चल डॉक्टर नहीं है, है। चाचा जी आप बैठिए, जिसको बोल रहे डॉक्टर बोले, डॉक्टर बोल। मामा जी आप इधर आइए, इधर इधर। मामा जी ये दिमागी तौर पे बीमार हैं। क्या करा? इलाज कराने आए हैं यहाँ पे। जब से चाची जी भागी ना छोड़ के, तब से, हाँ तब से हिल गए हैं ये। की भागेगी? बड़े वायलेंट हो जाते हैं। जस्ट काम डाउन, काम डाउन। चाचा जी मेरी बात सुनिए, क्या है कि दिमागी तौर पे बीमार है ये, जब से मामी छोड़ के भागी है ना इनको, बेचारे बड़े वायलेंट हो जाते हैं, फिर बस चाकू आकू निकाल लेते हैं। अरे यार मुझे निकालने दे, चाय पी के जाइए। अरे चल 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 चल, मैं जा रहा हूं। चाय पी के जाइए। मेरी फ्रेंड पागल, अरे तू पागल, पागल पागल, अरे तू चल पागल बोल रहा है, मुझे बोल रहा है पागल। मामा जी काम डाउन, काम डाउन। मामा जी काम। अच्छा बेटा क्या बोल रहा था मैं? हाँ बोलिए। इसके चक्कर में तो, अरे मामा जी क्यों उतार रहे हैं पजामा? देखिए क्या है कि मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी, तो मैं करके आता हूँ। अब तक आप ये अखबार पढ़िए आज का ये। लेकिन बेटा वो हमारे को देख, मैं देखूंगा। कब देखोगे? जल्दी देखूंगा जल्दी। हाँ आप पढ़िए। पेन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ना। अच्छा भरभूति जी, सुनिए भरभूति जी, इतने तानसेन में काहे लग रहे हैं? अब इज नॉट तानसेन, इज टेंशन। सही पकड़े हैं। दारोगा जी से बात तो हो गया है ना, वो आके रोड मार देंगे। अभी जी रोड नहीं, रेड होता है वो, रेड। सही पकड़े हैं। ये ना हप्पू सिंह जी पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक नंबर के लेट लतीफ है। कहीं लेट हो गए ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मामा जी आते होंगे बस एनी मोमेंट। मामा जी आ गए भांजे, मामा जी आ गए। आइए आइए मामा जी, आइए बैठिए ना, आइए प्लीज। मम्मी बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, वो मेरे 5 लाख रुपए दे दो, मैं चला जाऊं। मामा जी मिल जाएंगे ना 5 लाख रुपए, आप बैठिए ना, चाय वाय पीजिए। वो तुमने सुबह में चाय पिला दी ना मुझे, वाय मैं शाम को पीता हूँ। चलो 5 लाख रुपए दे दो बस जल्दी से। ठहर जाओ। कौनों अपनी जगह से ना हिलेगू ना भगेगू, तुम सबको गिरफ्तार करो जा रहे हो। किस जुर्म में गिरफ्तार किए जा रहे हो? ऐसो है, हमें पता चलो है इतने पे किडनी चोरी को रैकेट चल रहा है। ठहर जाओ। क्या बात कर रहे इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, गलत इन्फॉर्मेशन मिली? कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है दरोगा जी, ये वाकई बहुत सही बात है। ये कमीने डॉक्टर भभूति जी ने जो है हमारी हमारी किडनी का ऑपरेशन करके हमारी किडनी निकाल ली, जबकि हम अपने पिछवाड़े में फोड़े का ऑपरेशन करवाने आए थे, ऊपर से सुइयां अलग से ठोकी इन्होंने। अरे दादा तुम कैसे डॉक्टर हो यार? डॉक्टर तो भगवान को रूप होते है, लोगों की जान बचाते है, और तुमने ससुर पूरी डॉक्टर कॉम को नाम बदनाम कर दा हुए, थू है तुम पे। दरोगा जी मेरी बात सुनिए। अच्छा चुप करो बिल्कुल, मुंह सिल लो बिल्कुल। तुम पहले हमें जो बताओ ससुर, तुम्हें डॉक्टर बनाओ कौन ने? कौन है वो? अरे इस आग की लपटें तो तेरी तरफ उठ रही मामू, निकल ले बेटा। भांजे, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, अगले साल जरूर आएंगे बेटा, अगले साल मिलेंगे हम लोग। अच्छा बाय बाय। बाय हो गई,
तुम ससुर इतने बड़ों को ना कर रहे, पहले तुम दोनों को धरेंगे, चलो। अच्छा ठीक है अप्पू सिंह जी, हो गया ना, हो गई आपकी एक्टिंग, चले गए मामा जी, अब ओवर एक्टिंग मत करिए। गोरी मैम, आपको कैसी लगी हमारी एंग्री दरोगा वाली एंट्री? हाँ दारोगा जी, हमको तो लगता था कि आपको न्योछावर लेना ही आता है। हाँ लेकिन एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लिए। वेल सर भाभी जी। खबरदार, एक तो मासूम लोगों की किडनी बेचने का संगीन जुर्म करते हो, ऊपर से मेरे ऑफिसर को 1 करोड़ का रिश्वत भी देते हो। अप्पू सिंह जी, गिरफ्तार कर लो सब लोगों को। अबे धर रहे सबको, चलो थाने तुम्हारे सुतर, चलो सब। अप्पू सिंह जी गुड, आपने कमिश्नर साहब को भी इन्वॉल्व कर लिया अपने नाटक में, गुड वेरी गुड। दांत ना निकालो, हमने नहीं करो अपने आप। अबे देख क्या रहे हो अप्पू सिंह, सारी गैंग को गिरफ्तार करके हालात में डाल दो। चलो भैया थाने चलो। एक मिनट कमिश्नर साहब, आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया है। एक्चुअली यहाँ ये सब ना, ये तो एक नाटक है मैडम। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही जुमले बोलता है। और तुम भी चलो। हमने कहा कि हम तो अपना पिछवाड़े का फोड़ा फोड़वाने आए थे, हमने क्या जुर्म किया? क्योंकि ये सारा रैकेट तुम्हारे घर में हो रहा है। हमारे घर में कौन रॉकेट ना ही चल रहा है भाभी जी, इस रैकेट सही पकड़े हैं। इज्जत से चलते हो या हथकड़ियां डाल के ले जाओ? आई थिंक वी प्रेफर इज्जत। कम बेबी, बट दैट्स क्रेजी। आई विल लेट्स गो बेबी। ये ले लेके भैया। गोरी मैम, आप पहली बार हमारे थाने में पधारी हो, बताओ आपकी हम का सेवा कर दें? चाय समोसा मंगवा दें, गरम गरम, कम तेल वाले, बहुत बहुत स्वादिष्ट होंगे। आपने हमें यहाँ दावत पे बुलाया है? सेवा करने का इतना ही शौक है तो छोड़ का है ना ही देते हमको। अरे अरे भाभी अंगूरी जा में हमारा कोनो दोष नहीं है, हम क्या करें, जो मामला पूरा कमिश्नर साहब तक पहुंच गया हुआ है। तो आपने बताया क्यों नहीं कमिश्नर साहब को कि हम लोग नाटक कर रहे हैं? अरे का घुनिया बता देते, तुम्हें तो पता है कमिश्नर ने हमें बोलने तक को मौका नहीं दो यार। उन्होंने मौका नहीं दिया है, तरक्की के चक्कर में आपने बताना मुनासिब नहीं समझा। अरे नाना तिवारी, तिवारी यार तुम जी कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें ससुर ऐसी तरक्की ना चाहिए जो गोरी मैम को दुख दे के मिले। आप सबको सब। अप्पू सिंह, इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया? कमिश्नर साहब, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, आपको गलत फहमी हो गई है। जी कहिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ओ, तो ये बात है। हाँ ये बात है। मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी चाहता हूँ। अप्पू साहब, इन सब को छोड़ दो और जो असली मुजरिम है उनको पकड़ो। थैंक गॉड। जनहित में जारी। हवलदार रूपा, 1 मिनट के लिए मेरे कमरे में आना। तेरे को कितना कमी ना देखा, हाँ उनको खोल दिया, हमको नहीं खोला। हमारी बीवियां देखो, मतलब हमें बॉदर भी नहीं कर कि हम लोग अंदर है यार। अरे भाई, अरे कोई है? ठीक है, केयरफुल केयरफुल। पहले उन्हें संभाल के, ये सामान आगे भी काम आएगा। चल शाबाश, गुड 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 गुड। चलो कौन 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 कौन? हाय दिया, आपके मामा जी क्या फिर से आने वाले हैं? अब आप तो जानती मेरे रिश्तेदारों को, कौन कब किस वक्त टपक पड़े, आई हैव नो आइडिया भाभी जी। देखिए एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, इस बार अगर आपके मामा जी दोबारा आते हैं
तो ये अस्पताल का ड्रामा कहीं और कीजिएगा, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, साफ बात। सो सॉरी तिवारी जी, आपको कितनी प्रॉब्लम हुई हमारी वजह से। आई प्रॉमिस इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा, डोंट वरी। भैया जी जा बोर्ड का क्या करना है? अरे यार बोर्ड को उठा के अपने घर ले जाओ और संभाल के रखो, बाद में काम आएगा ये। चल मैं उठा। उठा, 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 उठा। भैया जी क्या है? आज आप बहुत भारी है, थोड़ा हाथ लगवा दो। पकड़ो जरा फोन, चलो आओ भैया थोड़ी मेहनत कर लो। हेलो, यस हूज दैट? नहीं नहीं, एडवोकेट विभूति नारायण मिश्रा यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, रॉन्ग नंबर। हेलो, दिस इज विभूति नारायण मिश्रा, एडवोकेट स्पीकिंग, हु इज दिस? अलीगढ़ वाले विषय पर फूफा जी, पाए लागू फूफा जी, आप आ रहे हैं कानपुर? आइए आइए, मोस्ट वेलकम। क्या हुआ, किसका फोन था? अलीगढ़ वाले विश्वंबर फूफा जी है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए, लॉ पढ़ने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, याद है तुम्हें, जो तुमने सारे अपने ग्रूमी क्लास में झोंक दिए थे। अब वो आ रहे हैं देखने के लिए कि मैं लॉयर बना कि नहीं बना। दिया। तो अब क्या यहाँ अदालत खोलने का विचार है? भैया इस बार मैं जज बनूंगा। ऑर्डर ऑर्डर।